ब्रिटेन की पाठशाला में आप सबका पुनः स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज द हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इस हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये आपके पास जो सामने दिख रहा है दैट इज़ द ओल्ड सिलेबस, ये पुराना सिलेबस है। और हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं हेटरोसाइक्लिक चैप्टर्स में ये इज इट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, राइट। फर्स्ट वन इज दिस वन दैट इज द सिंपल वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन इन विच द फ्यूज रिंग्स आर यूज, राइट। सो इन ओवरऑल सेवन हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विल बी डिस्कस्ड वन बाय वन, ठीक है। अब न्यू सिलेबस के हिसाब से आपके पास क्या सिलेबस है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये आपके पास न्यू सिलेबस है जहाँ पे दो पार्ट के बजाय केवल एक पार्ट है, यानी कि सात में से आपके पास केवल फोर कंपाउंड्स है, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन एंड पिरिडीन, जिनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं नए सिलेबस में, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में ध्यान रहे आप सभी अपने अपने सिलेबस के हिसाब से स्टडी करेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं कंप्लीट सिलेबस बनाऊँगा जो कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें से आपको जो भी रिक्वायर्ड वीडियो है उस हिसाब से आपने अपनी स्टडी करनी होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में ये आपके पास है हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखिए टू वर्ड से मिलकर बना है, वन इज़ द हेटरो एंड अनदर वन इज़ द साइक्लिक। दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। हेटरो मीन्स एनी एटम एक्सेप्ट द कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज टर्म्ड एज ए हेटरो, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। वाइल साइक्लिक मीन्स द साइक्लिक रिंग, इट मीन्स द हेटरो एटम इज इनकल्केटेड इन टू द रिंग, साइक्लिक रिंग में। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए आपके पास एक साइक्लोप्रोपेन है, राइट। और इस साइक्लोप्रोपेन में तीन कार्बन की जगह मैं एक ऑक्सीजन लगा देता हूँ, दैट इज द हेटरो एटम, राइट। सो नाउ दैट विल बी टर्म्ड एज ए हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड बिकॉज द हेटरो एटम इज यूज टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ द रिंग, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन ऑफ मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर टर्म्ड एज ए हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। ये मैं बता चुका हूँ। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जांपल्स के तौर पे आपके पास नेचुरली अकरिंग हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स काफ़ी है। एग्जांपल के लिए पेनिसिलिन है, विटामिन बी है, देख सकते हैं हम, राइट। साथ ही में आपके पास है क्लोरोफिल वगैरह, राइट। क्लोरोफिल है, आपके पास हीमोग्लोबिन है एक्सेट्रा। सो ऑल ऑफ देम आर द हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट द हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर, राइट। आप देख सकते हैं नेचुरली अकरिंग है और कई जगह यूज किया जाता है। नाउ लेट्स क्लासिफाई द हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल बिहेवियर द हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज, राइट। फर्स्ट वन दैट इज द नॉन एरोमेटिक और अली साइक्लिक हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दैट मीन्स एनी हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन द हेटरो एटम इन द रिंग्स एंड दैट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर, दैट इज टर्म्ड एज एलीसाइक्लिक हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था साइक्लोप्रोपेन रिंग का, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीजेन, ऑक्सीटेन, राइट। दीज आर द यू पी एस सी नेम्स, 1,4-dioxane, ऑल ऑफ दैम पाइपरिडीन, दैट इज अ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल, ये हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो दीज आर द एलीसाइक्लिक बिकॉज द एरोमेटिक रिंग और डबल बॉन्ड कंजुगेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड वन इज द एरोमेटिक हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, नाम से ही पता लग रहा है, विच एग्जिबिट्स द एरोमेटिक कैरेक्टर, राइट। एंड एरोमेटिक कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय द हकल रूल, आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ाई होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके कंजुगेशन होना चाहिए और साथ ही में आपके पास 4n+2π रूल भी एप्लीकेबल होना चाहिए, राइट। सो एग्जांपल के लिए 5-membered हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल है आपके पास फ्यूरान, पायरोल, थायोफिन, और ये तीनों के तीनों हम स्टडी करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, यानी कि 4π
एंड टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ऑक्सीजन दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन. सो ओवरऑल देर विल बी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट. सो दैट्स वाई इट इज द एरोमेटिक. सिमिलरली सिक्स मेंबर्ड का एग्जाम्पल है आपका पाइपरिडीन, ओ सॉरी पाइपरिडीन, राइट. फाइव मेंबर रिंग्स विद टू हिट्रो एटम्स दे आर पाइराजोल, इमिडाजोल, थायाजोल, ऑक्साजोल, राइट. और ये नाम कैसे रखे गए हैं वो हम आगे देखेंगे. सो कन्फ्यूज मत होए, फिलहाल केवल आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. सिमिलरली हिट्रोसाइक्लिक रिंग कंडेंस विद रिंग बेंजीन रिंग के साथ जो फ्यूज है, इन दैट सिनेरियो कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके पास. एक तो ये मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, ऑल ऑफ देम दीज थ्री आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो दैट दिस इज द क्लासिफिकेशन. वी हैव क्लासिफाइड द हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन टू कैटेगरीज. इफ आई समराइज ऑल दैट, फर्स्ट वन इज द एलिफैटिक एंड सेकेंड वन इज द एरोमेटिक, राइट. सो दीज आर द टू कैटेगरीज. नाउ लेट्स डिस्कस द नोमेनक्लेचर सिस्टम. IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ऑन द सेम बिहाफ दैट इज द नोमेनक्लेचर सिस्टम एग्जिस्टिंग फॉर नेमिंग ऑफ द हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट. वही सिमिलर रूल्स हैं, बस आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है वो ध्यान रखना पड़ेगा. सो वन बाय वन देखते हैं. पहला, द साइज ऑफ रिंग इज इंडिकेटेड बाय स्टेम, राइट. स्टेम आपको पता ही है, या वर्ड रूट हम यूज करते हैं IUPAC में. सो वर्ड रूट का मतलब क्या है, मेन प्लेटफॉर्म, राइट. सो स्टेम का एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए आपके पास ये दिए हुए हैं. वैसे ये देखिए, रिंग साइज के हिसाब से आपको नोमनक्लेट करना है, नाम रखना है, ठीक है. एग्जाम्पल ये आपके स्टेम है, फर्स्ट पॉइंट जो कहता है. सेकंड पॉइंट कहता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर रिंग कंटेंस नाइट्रोजन और नॉट, राइट. सो फर्स्ट फिल्टर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन यदि रिंग में है तो आपका नोमनक्लेचर अलग होगा, और यदि नाइट्रोजन नहीं है तो अलग होगा. अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, व्हाई वी हैव चूजन नाइट्रोजन ओनली. आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, बहुत सारे ऐसे हिट्रो एटम है, बट व्हाई वी हैव चूजन द नाइट्रोजन. द आंसर लाइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. मोस्ट ऑफ द हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन. दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव चूजन दिस एटम एज अ स्टैंडर्ड, राइट. सो पहले आपको क्या नोट करना है, क्या मेरे रिंग में नाइट्रोजन है या नहीं है. फिर उसके बाद आपने देखना है कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. सो डिपेंडिंग अपॉन दीज टू कंडीशंस सफिक्स वुड बी एडेड टू द स्टेम. जो स्टेम है, स्टेम वर्ड है, उसके बाद आप सफिक्स ऐड करेंगे, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन दीज टू फिल्टर्स, नाइट्रोजन एंड सैचुरेशन. नाउ थर्ड पॉइंट, द हिट्रो एटम प्रेजेंट इन रिंग इज डिनोटेड बाय द प्रीफिक्स. आपका जो हिट्रो एटम, कौन सा हिट्रो एटम प्रेजेंट है रिंग में, सो वो यूज किया जाएगा एज ए प्रीफिक्स, राइट. सो डिफाइंड वर्ड्स है, जैसे ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा वर्ड है, थाया, एज अ फॉर नाइट्रोजन. सो वन बाय वन देखते हैं. देखिए, दिस इज द टेबल. रिंग साइज 3 to 7. फर्स्ट, दैट इज द मेन वर्ड, दैट इज द स्टेम. सो IR, AT, OR, IN, IF, राइट. दीज आर द स्टेम वर्ड विच डिनोट्स द रिंग साइज, याद रहेगा. उसके बाद ये जो वर्ड लिखे गए, दैट इज इन्वॉल्विंग द बोथ स्टेम एंड सफिक्स. पहली बात, ठीक है, सफिक्स और स्टेम दोनों को मिला के लिखा गया है. सो यदि थ्री मेंबर्ड है तो आप डायरेक्टली ये यूज करेंगे, जिसमें स्टेम भी आ गया और सफिक्स भी आ गया, इसके करने की जरूरत नहीं है, राइट. अब देखिए, रूल नंबर टू सेज द बाइफर्केशन वॉज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, राइट. सो नाइट्रोजन यदि प्रेजेंट है रिंग में तो ये यूज किए जाएंगे, एंड इफ नाइट्रोजन इज अब्सेंट देन दिस विल बी फॉलोड, क्लियर है. हेड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द स्टेम एंड सफिक्स. स्टेम और सफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. प्रीफिक्स से ऑब्वियस है, हिट्रो एटम के बारे में है, वो बाद में आएगा, फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए. अब एग्जाम्पल के लिए, पहला फिल्टर ये लगाया, कोई बात नहीं. नाउ सेकेंड
फिल्टर इज दिस वन सैचुरेशन, वेदर आर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड इज सैचुरेटेड और नॉट। क्लियर है? सो सपोज कीजिए आपके पास थ्री मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन भी है, राइट right? अब आपको देखना है क्या अनसैचुरेटेड है, तो हम यूज करेंगे वर्ड इरीन, और यदि सैचुरेटेड है तो इरिडीन। अब एग्जांपल के लिए आपके पास एक पिरीन पिरिडीन आता है, पाइपरिडीन आता है, राइट right? सो पिरिडीन क्यों कहा गया? बिकॉज इट इज अ सिक्स मेंबर रिंग। ठीक है, अब आपको क्या, ये तो हो गया स्टेम प्लस सफिक्स। नाउ नेक्स्ट रूल सेज इफ अ रिंग कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट हेटरो एटम्स, केवल एक हेटरो एटम नहीं है, एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तब हम कैसे प्रेफरेंस देंगे? सो इन दैट सिनेरियो द हेटरो एटम ऑफ हायर ग्रुप, आपके पास पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में दीज आर द ग्रुप्स 1, 2, 3, 4, 5 से 18 तक, एंड दीज आर द पीरियड्स। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप, द हेटरो एटम ऑफ हायर ग्रुप विल गेट द प्रेफरेंस। यानी कि सब आपको पता है कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, सो यदि आपके मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? ऑक्सीजन को, बिकॉज दैट इज बिलोंगिंग टू द हायर ग्रुप। अब सपोज कीजिए एक ही ग्रुप में दो है, जैसे ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, तो उस केस में हम किसे देंगे? द हेटरो एटम ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर, यानी कि अगेन ऑक्सीजन, दैट विल गेट द प्रेफरेंस वाइल बोथ इन नेमिंग एज वेल एज नंबरिंग ऑफ एटम्स, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल सेज द कंप्लीट नेम ऑफ हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ सुटेबल प्रीफिक्स टू द सफिक्स, सो इन डूइंग सो टर्मिनल ए ऑफ प्रीफिक्स इज जनरली ड्रॉप्ड। किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए आपके पास ऑक्सीजन थी तो ऑक्सा वर्ड आता है, ऑक्सा का ए वर्ड को आप ड्रॉप कर देंगे एंड ऑक्स वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए ये क्या है, ऑक्सोल, फाइव मेंबर रिंग है, अनसेचुरेटेड है, ऑक्सीजन है केवल, राइट? तो अब यहां पे देखिए फाइव मेंबर रिंग में नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे इस रिंग में? ये यूज किया जाएगा, वाई? बिकॉज इट इज फॉर द नाइट्रोजन एब्सेंट्स एज वेल एज अनसेचुरेटेड, ओ सॉरी अनसेचुरेटेड है तो ये नहीं, दिस वन, हाँ अनसेचुरेटेड है ना, राइट? सो ऑल वर्ड यूज किया जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं अनसेचुरेटेड है यहाँ पे, सो ऑक्सोल, राइट? अगेन यदि स्टेम की बात कर रहे हैं, स्टेम प्लस सफिक्स, दैट इज द ओ एल ई, ओ एल ई कौन सा है? दैट इज द स्टेम प्लस सफिक्स, उसके सामने क्या लग गया? ऑक्सा, वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज देयर और ऑक्सा का एक आपने का दिया ड्रॉप, सो दैट्स वाई ऑक्सोल वुड बी द नेम, इज इट क्लियर? सिमिलरली यदि यहां बात करें तो एज का एज एंड ओल फॉर द रिंग, ठीक है? सो दिस इज द सिंपल नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द सिंपल हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। याद रहेगा ऐसे ही नंबरिंग की बात कर रहे हैं, चलो दो का भी बात कर लेते हैं। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में दो हेटरो एटम है, ठीक है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, सो हायर ग्रुप किसका है? ऑक्सीजन का, सो ऑक्सीजन को प्रेफरेंस मिलेगी किसमें? दोनों में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए भी और साथ ही में नंबरिंग में। तो आप देख सकते हैं नंबरिंग शुरू ऑक्सीजन से हुई है, 1, 2, 3, वाइल कीपिंग द लोवेस्ट लोकन रूल इन द माइंड, राइट? सो वन एंड थर्ड, वन पोजिशन पे और थर्ड पोजीशन पे आपके हेटरोसाइक्लिक एटम है, सो दैट्स वाई ऑक्सा एज वर्ड भी आ गया साथ में, एजा, सो ऑक्सा प्लस एजा, दोनों का ए ड्रॉप किया, सो ऑक्साज और ओल वर्ड यूज किया गया है बिकॉज द सैम प्लस सफिक्स वाज द ओल, सो ऑक्साजोल। राइट, सो ये सिंपल सा आपका नोमेनक्लेचर सिस्टम था। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है, फाइव मेंबर्ड हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स।
सो पहला और एनईपी में आपके पास है यही है, ऐसे ही ओल्ड सिलेबस में भी पहला टॉपिक आपका यही है, फाइव मेंबर्ड हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसमें हम केवल तीन कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको बताया भी था, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। इनका नोमेनक्लेचर सिस्टम आप देख सकते हैं, पायरोल इज द कंपाइल, आईयूपीएन नेम इज द अजोल। सिमिलरली फ्यूरान आपका कॉमन नेम है और ऑक्सोल, थायोफीन थायोल, थायोल इज द आईयूपीएसी नेम्स, ठीक है। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कॉमन नेम ही यूज करेंगे, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। और तीनों की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फाइव मेंबर्ड है, ओनली डिफरेंस लाइज विद द हिटरो एटम, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है और यहाँ नाइट्रोजन है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रक्चर से, द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। स्ट्रक्चर क्या है ये देख सकते हैं आपका, ये नंबरिंग है फाइव मेंबर्ड। साथ ही यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो वन टू एंड थर्ड इज द लोन पेयर अवेलेबल ऑन द हिटरो एटम, राइट। नाइट्रोजन पे केवल एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे आपके पास दो लोन पेयर रहेंगे, सल्फर पे भी दो लोन पेयर रहेंगे, ठीक है। एंड दीज लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन विद द ऑलरेडी अकरिंग द डबल बॉन्ड्स, क्लियर है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें, एग्जाम्पल के लिए जैसे पायरोल ले लेते हैं, स्ट्रक्चर तीनों की सेम है, ठीक है। तो शुरुआत के लिए पायरोल देखिए, इन द पायरोल द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि आपका प्लेनर रहेगा मॉलिक्यूल, तो आप देख सकते हैं जैसे ये कार्बन है, एसपी टू है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन बच गया कार्बन पे। सिमिलरली एवरी कार्बन विल बी पोजेसिंग द वन इलेक्ट्रॉन, वाइल इन द केस ऑफ नाइट्रोजन दैट इज द नेक्स्ट एटम टू द पीरियोडिक टेबल दैट इज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, राइट। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी परफॉर्मिंग द डबल बॉन्ड, राइट। सो दैट्स वाई इन द पायरोल रिंग टू डबल बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाय सी सी बॉन्ड्स एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट विल बी यूटिलाइज इन द कंप्लीशन ऑफ द एरोमेटिक सेक्सेट, राइट। सो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम है ये, सिक्स पाई, राइट। सो वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड वुड बी अबव, वन वुड बी बिलो द प्लेन ऑफ द कंपाउंड, जैसा बेंजीन में होता है ऑन द सिमिलर पैटर्न, राइट। सो दैट इज द एरोमेटिक कैरेक्टर। और हक्कल रूल के बारे में मैं बता चुका हूं। अब पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन के पास पहले फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर था। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंज्यूम्ड इन द कंप्लीशन ऑफ द एरोमेटिक सेक्सेट, राइट। बेंजीन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंप्लीट करने में यूज हो गया। सो अब देखा जाए नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर बचा ही नहीं है। और आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स लाइक अमीन्स, अमोनिया, अमोनियम, ऑल ऑफ देम बिहेव्स एज अ बेस। और लुईस बेस क्या कहता था, लुईस बेस सिस्टम सेज इफ एनी स्पीशीज इज एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर देन दैट विल बी टर्म्ड एज ए लुईस बेस, राइट। सो यानी कि पायरोल का बेसिक कैरेक्टर बहुत ही वीक रहने वाला है, और वो हम कंफर्म कर सकते हैं बेसिसिटी कॉन्स्टेंट से। आप देख सकते हैं 10^-14 काफी कम है, राइट। दैट इज द रीजन पायरोल इज अ वीक बेस, पायरोल इज अ वीक बेस। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइज, वेदर पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन और नॉट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए देखिए आप कॉमन सेंस लगानी है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होते हैं, पहली बात तो है सिक्स कार्बन एटम्स, ठीक है, सिक्स कार्बन एटम्स एंड एवरी कार्बन एटम इज डिनोटिंग द इज डोनेटिंग द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके, वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि ओवरऑल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर फॉर सेक्सटेट एरोमेटिक
करेक्टर के लिए, राइट। नाउ इन द केस ऑफ पायरोल देर आर फोर कार्बन एटम्स बट वन नाइट्रोजन एटम, सो ओवरऑल फाइव एटम्स विल बी प्रोवाइडिंग यू द सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिकॉज नाइट्रोजन इज डोनेटिंग द टू इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। अब बेंजीन के केस में आपके पास छह इलेक्ट्रॉन थे और हर कार्बन पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सही बात है। अब यहां पे पायरोल के केस में फोर इलेक्ट्रॉन यहां से आए हैं और दो यहां से, तो कार्बन के पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट इज मोर देन वन। यहां पे वन इलेक्ट्रॉन की थी डेंसिटी हर कार्बन पे, यहां पे एक से ज्यादा है, सो दैट इज द रीजन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द केस ऑफ पायरोल रिंग दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू बेंजीन, याद रहेगा बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन स्केलेटन पे ज्यादा है इन द केस ऑफ पायरोल। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है तो एक रिएक्शंस आती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, द बेंजीन्स आर नोन टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफाइल यदि कोई है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो वो कहाँ अटैक करना पसंद करेगा, यहाँ पे या पायरोल पे? सो आंसर इज पायरोल, बिकॉज पायरोल इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो ये यहाँ पे अटैक करना ज़्यादा प्रेफर कर, दैट इज द रीजन पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। सो दैट वॉज द वन मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें हम, कि ठीक है आपने स्ट्रक्चर देख लिया, साथ ही में रिएक्टिविटी के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर की, कि पायरोल और बेंजीन में से कौन ज़्यादा एरोमेटिक है एंड वाई, राइट। सो उसके लिए देखिए ज़रूरी है आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए, या आपके पास एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है सारी, ठीक है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, देन यहाँ, दिस 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 दिस, राइट। सो ओवरऑल देर आर फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द पायरोल, राइट। रेजोनेंस एनर्जी इसकी होती है 92, ठीक है, 92 किलो जूल पर मोल। बेंजीन की किसी को याद है आप में से? यदि याद है तो कमेंट सेक्शन में ओपन करें, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ आपके, बेंजीन के केस में होती है 150 किलो जूल। तो आप देख सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी पायरोल की है कम, और रेजोनेंस कंसेप्ट कहता है कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, या एरोमेटिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या निकलता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, सो बेंजीन इज मोर स्टेबल एंड एरोमेटिक करेक्टर ऑफ बेंजीन इज मच मोर एज कम्पेयर टू पायरोल, राइट। और यदि हम ये रेजोनेंस फॉर्म में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म्स के फॉर्म में हम एक्सप्लेन करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आउट ऑफ दीज फाइव देर इज ओनली वन स्ट्रक्चर विच इज न्यूट्रल इन नेचर, वाइल द रेस्ट इन्वॉल्व द चार्ज सेपरेशन, राइट। वाइल इन द केस ऑफ बेंजीन देर आर टू न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स, राइट, दैट इज द रीजन द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मच मोर, एंड इन द केस ऑफ बेंजीन देर आर टू, वाइल इन द केस ऑफ पायरोल देर इज ओनली वन। तो जब इसके पास केवल एक ही फॉर्म है जो कि कंट्रीब्यूटिंग है, यहाँ पे दो है, तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, बेंजीन की, और वही हमें रिजल्ट के तौर पर मिलता भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, दैट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान की एनर्जी, राइट, वो पायरोल से भी कम है, 72 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यानी कि यदि हम एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें तो बेंजीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका सबसे कम किसकी है फिलहाल, फ्यूरान की, ठीक है। आगे देखते हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में,
सो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp2 sp2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दिस s ऑर्बिटल इज कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका कौन सा है, अनहाइब्रिड, जैसा कि आपका पायरोल में था। बस फर्क यह है यहाँ पे आपके दो हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर रहेंगे जिनमें से एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल में है, वाइल अनदर वन पेयर विल बी इन्वॉल्व इन द कम्प्लीशन ऑफ द एरोमेटिक सेक्सेट। एरोमेटिक कैरेक्टर कंप्लीट करने में यूज किया जाएगा, ये याद रहेगा। वही सिमिलर स्ट्रक्चर है, हक्कल रूल फॉलो होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या रहेंगी, दिस, वही सिमिलर स्ट्रक्चर है, बनाना सीख लेना आप, ठीक है। और यहाँ का भी वही है, देखिए यहाँ पे केवल एक स्ट्रक्चर है जैसे पायरोल के केस में था, बेंजीन में आपके पास दो है, तो ये काफ़ी कम, ठीक है, दैट इज द स्टेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन, थायोफीन। थायोफीन स्ट्रक्चर इज समवट डिफरेंट, राइट, डिफरेंट है, कैसे वो हम देखते हैं। इन द केस ऑफ थायोफीन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वुड बी सिमिलर, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन किस में है, 3s में, ध्यान रहे फ्यूरान के केस में 2s था, यहाँ पे 3s है, साथ ही में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनहाइब्रिड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे फ्यूरान की थी, सिमिलर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, नाउ दैट इज द डिफरेंस। इन द केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दीज आर द नॉर्मल 5 कैनोनिकल फॉर्म्स, जहाँ पे ये न्यूट्रल है, बाकी सभी में 4 सेपरेशन है। बट एज द सल्फर इज हैविंग द डी ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स भी हैं जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नहीं थे, सो सल्फर कैन इजिली अकोमोडेट और एक्सपेंड द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, राइट। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, ये देखिए वैलेंसी डिस्टर्ब्ड हो गई है। नॉर्मल वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड कितने बनने चाहिए, 2, बट यहाँ बन रहे हैं 4। रीजन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स की वजह से, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई मोर कैनोनिकल फॉर्म्स आर देयर। वहाँ पे के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देर वर ओनली 5 कैनोनिकल फॉर्म्स, वाइल इन द केस ऑफ थायोफीन देर आर ओवरऑल 10 कैनोनिकल फॉर्म्स, राइट। दैट इज द रीजन इट इज हैविंग मच मोर रेजोनेंस एनर्जी एज कंपेयर टू पायरोल एंड फ्यूरान, राइट। पर यहाँ पे देख सकते हैं बेंजीन की कितनी थी, 150, यहाँ पे 125 है। सो स्टिल यदि हम रिलेटिव एरोमेटिक करेक्टर देखें तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑर्डर कहाँ है, दैट इज द ऑर्डर। बेंजीन जिसकी कितनी थी, 150, थायोफीन की अभी अभी आपने देखी रेजोनेंस एनर्जी थी 125, पायरोल की अबाउट 92 एंड अबाउट 75 किसकी थी, फ्यूरान की। नाउ दैट इज द ऑर्डर, इसको बहुत ही ध्यान रखना है आपने, दैट इज द ऑर्डर, याद रहेगा, ठीक है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर यह है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाएगा, फिर उसके बाद मत कहना कि नहीं बताया, राइट। सो बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, देन थायोफीन, देन पायरोल, देन फ्यूरान, ठीक है। और साथ ही यदि स्टेबिलिटी की बात करें तो यही स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है। तो बच्चों इस वीडियो में ये टॉपिक आज का था, ठीक है। उसके बाद हम पायरोल को स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल को और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल हमने इस वीडियो में या अब तक इस चैप्टर में क्या किया है, पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे यूट्यूब की, एंड देर आफ्टर वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑर्डर फॉर द 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, पायरोल, थायोफीन एंड फ्यूरान्स, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों, तब तक पढ़ते रहें, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।